दुमका को एक समय नक्सलियों के आतंक का गढ़ माना जाता था। इस क्षेत्र में नक्सलियों का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि ये लोग पुलिस के जवानों से भी उनका हथियार छीन लेते थे और मना करने पर जान से मार देते थे। एसपी अमरजीत बलियार की भी नक्सलियों ने घात लगाकर हत्या कर दी थी। एसपी की हत्या के बाद नक्सलियों से निपटने के लिए पारा मिलिट्री बल को इस क्षेत्र में लगाया गया। पारा मिलिट्री के जवानों ने दुमका पुलिस की मदद से पूरे इलाके में अभियान चलाया और कई नक्सलियों को ढेर कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई को देखते हुए नक्सलियों का मनोबल टूटा और एक एक कर कई इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी नक्सलियों का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती नौजवान युवकों को नक्सलियों के संगठन में शामिल होने से रोकना है। हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने इस बात का खुलासा किया है कि नक्सली संगठन किस प्रकार नव युवकों को लोभ देकर अपने खेमे में ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देकर जबरन हार्डकोर नक्सली बनाते हैं। कोई नक्सली यदि संगठन छोड़कर घर वापसी करना भी चाहता है तो नक्सली संगठन उसे इतना खौफजदा कर देता है कि वो घर वापस नहीं आ पाता। विरोध करने से आप छोटा आप क्या बोल सकते हैं? आपको तो कोई मतलब आपका बात कोई वैल्यू नहीं। जाम का डर रहता है जी सर। इस खुलासे के बाद एसएसबी और जिला पुलिस काफी सजग हो गई। नक्सली संगठन में जाने से रोकने के लिए पुलिस अब इस दिशा में विशेष अभियान चलाएगी ताकि नक्सली संगठन नव युवकों को डरा धमका कर अपने संगठन में शामिल नहीं करा सके। सारे उग्रवादी जो है सो मार डाले गए और कुछ ने आत्मसमर्पण किया तो एक जो है सो वैकेंसी जो उधर क्रिएट की हुई होगी तो नक्सल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें रिक्रूट करने के लिए कदम उठा सकता है। तो इसको देखते हुए आप लोगों की क्या तैयारी रहेगी? बिल्कुल सही है, वैक्यूम जो क्रिएट होता है तो निश्चित रूप से नक्सलों की ये भूमिका रहती है कि नए उसको लाएं। लेकिन हमने मीडिया के माध्यम से उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया है कि नक्सल ऑर्गेनाइजेशन में रह करके कभी किसी का भलाई हुआ नहीं, उसका एक्सप्लॉयटेशन ही होता है। जो महिलाएं नक्सल सरेंडर की थी उन्होंने तो यहाँ तक हमसे कहा कि उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो नए रिक्रूट उनको हम नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जिला प्रशासन विकास के इतने ज़्यादा काम उठा रही हैं कि अब वो अपने हाथ की रोटी छोड़ करके जंगल में घूमने अब नहीं जाएंगे। तो भया क्रांत करके रिक्रूट कर लेते हैं? नहीं, उसके लिए हमारी फोर्सेज बिल्कुल तैनात हैं। आपको पता है पुलिस बटालियन यहाँ पे है, एसएसबी की सिक्योरिटी फोर्सेज के अलावा यहाँ जो राज्य सरकार की फोर्स है वो भी बिल्कुल उनको सुरक्षा देने को तैयार है और भय के वातावरण में बिल्कुल अभी नहीं रहने की ज़रूरत है और अब हम उन्हें रिक्रूटमेंट नहीं करने देंगे। ये हमारा क्लियर मैसेज है, इसके आधार पर हम काम भी कर रहे हैं। थैंक यू। दुष्टों के बारे में यह कहावत है कि काटे पे पुण्य न घटे बरु समूल कुम लाए, यानी जब तक इनको पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है सिर्फ एकाध आत्मसमर्पण या एकाध अतिवादी नक्सली के मारे जाने से बहुत बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि फिर ये अपनी शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं नई बहाली करके। ऐसे में सबसे पहले तो यहाँ जो नक्सली अभी बच गए हैं उनका सफाया करना होगा या आत्मसमर्पण कराना होगा और हर हाल में नक्सली नई बहाली नहीं कर सके लोगों को खास करके डरा करके धमका करके या लोगों का प्रलोभन देकर या कुछ लोगों की साइकोलॉजी भी होती है क्षेत्र में जाकर धमका करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने का। तो इस सब पर रोक लगाते हुए हर हाल में कम से कम इसके नक्सलियों की नई वैकेंसी पर तो रोक लगानी ही होगी। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।